हमारी गाड़ी में बैटरी बहुत कम है, ओनली 28 किलोमीटर्स, ओनली 6%, कभी भी बंद हो सकती है हमारी गाड़ी, फिर हमें ऐसे उसको धक्का लगाना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। जी गाड़ी ने बोल दिया भाई बैटरी लो, रुक जाओ अब और मत लेके घूमो मेरे को, अभी यहाँ पर हमें शुक्र है चार्जर मिल गया है। मीनवाइल जैसे ही गाड़ी चार्ज होती रहेगी पूरा टाइम हम वारबेरी घूमेंगे और फिर वापस आएंगे, तब तक हमारी गाड़ी पूरी चार्ज हो चुकी होगी, फिर हम लेके इसको घर चले जाएंगे। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लोग आए हैं वारबेरी में, जो कि है स्वीडन का वेस्ट कोस्ट। वैसे तो एक समर डेस्टिनेशन है बट हम समर से बहुत ज़्यादा पहले आ गए हैं और यहाँ पर है टेम्परेचर 1 डिग्री। इसकी वजह से जो मेरे लिप्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बोला नहीं जा रहा मेरे से। और क्या था मैं भूल गई कि ये जगह स्वीडन के वेस्ट कोस्ट में है, तो ये एक बीच डेस्टिनेशन और ये जगह गोदनबर्ग के बहुत ज़्यादा पास में है, जो कि स्वीडन की है 2nd लार्जेस्ट सिटी। अगर आप जानना चाहते हो कि गोदनबर्ग है क्या, तो उसकी वीडियो ऊपर आई बटन में है, तो वो क्लिक करके देख सकते हो। वहाँ से ये काइंड ऑफ एक 1 डे ट्रिप है, बट हम लोग आए हैं स्टॉकहोम से, तो वो है 4-5 घंटे की जर्नी। हम अब आए हैं तो हमारी गाड़ी उधर वाली साइड में पार्क है, वो एक इलेक्ट्रिक पार्किंग है, बट यहाँ पर और भी सेंटर के पास काफ़ी पार्किंग है, तो आपने जाना कहाँ है उस हिसाब से आप अपनी पार्किंग चूज कर सकते हो। तो बेसिकली कम्यून जो है वो जो वारबेरी कम्यून है, कम्यून की 3 से 4 पार्किंग हैं, और बेस्ट पार्ट यहाँ की पार्किंग की ये है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट पार्किंग फ्री है, जो कि स्टॉकहोम में बिल्कुल नहीं मिलती, और यू ओनली पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे भी आप जा रहे हो उस हिसाब से आप वो वाली पार्किंग चूज़ कर सकते हो, और ये स्क्रीन पे आपकी हैं ऑप्शंस जो भी और पार्किंग्स हैं वारबेरी में। अभी हमने नेक्स्ट जाना है जो कि है इस बिल्डिंग के उस साइड। सिर्फ एक ही टर्न आ गया। वारबेरी में कैल बॉद हाउस, जिसका मतलब है कोल्ड बाथ हाउस, जो कि ठंडे पानी में बेसिकली जाके स्विम करते हो या नहाते हो, जो भी आप इसको ले सकते हो। पहली बार जब ये बना था तो आई थिंक 1860 के अराउंड में बना था, बट फिर कोई स्टॉर्म्स वगैरह आए, तूफान वगैरह, आंधी तूफान आया और ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। बट फिर 1900 में इन्होंने दोबारा से बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया, बट इन्होंने ध्यान में रखा कि चलो जैसे पुराना आर्किटेक्चर था वैसे सही हम इसको रेनोवेट जब करेंगे ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। और अंदर जब हम जाते हैं तो मेन और वीमेन के लिए 2 अलग अलग बनाए हुए हैं जगह, जहाँ पर आप स्विम कर सकते हो या बाथ कर सकते हो, और अंदर आपको सोना है और शावर्स भी हैं, तो करने के बाद आप अपना बाथिंग करके कपड़े चेंज करके बाहर आ सकते हो। इनकेस कैफ़े में जाना है तो वो भी जा सकते हो। चार्जेस क्या पड़ते हैं हम लोग को, तो अगर आप एडल्ट हो तो आपको 80 AC के पड़ेगा एक बंदे का, बट अगर आप 15 साल से छोटे हो तो आई थिंक 40 कॉस्ट करता है। मंडे टू संडे खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो, टाइमिंग्स के हिसाब से टाइमिंग्स ये लिखी हुई हैं। वारबेरी का फोर्टेस, जो कि बिल्कुल उसके सामने पड़ता है, वाटर बाथ के बिल्कुल सामने पड़ता है, और अभी हम इसके अंदर जाएंगे तो देखते हैं क्या है। जितनी मैंने इसके बारे में रीड करा था उसका ये था कि ये फोर्ट बनने से पहले यहाँ पे सिर्फ एक माउंटेन होता था, तो जिसके ऊपर आके बेसिकली ये चेक करते थे कि इनका कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा इनके ऊपर हमला करने के लिए।
तो उसके बाद इन्होंने लेटली इसके ऊपर फोर्ट बना दिया और फिर अपना जो भी फोर्ट का काम होता है वो करते होंगे, बट अभी ये एज अ म्यूजियम इसको यूज़ करते हैं। और तनों की पूंछ उड़ते हुए यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे हवा कितनी तेज़ है और ठंड कितनी ज़्यादा है। मैं कहना चला दे तो तू बैठ पे फिर चलाऊंगी। क्यों घर वाले जंगल ना था तो के साथ ना उड़ जाएंगे। अगर तू उड़ाएगा तो भी उड़ूंगी ना। ये छोटी छोटी तोपों से किसको मारते होंगे यार ये? वैसे क्या पता उस जमाने में इसी तोप को बड़ी तोप मानते हो, ये भी तो हो सकता है। लोगों ने यहाँ पर भी अपनी आशिकी करनी छोड़ी थी तो कहाँ पे तोपों को भी अपनी आशिकी पॉइंट बनाया हुआ है। यहाँ पे दिल बनाए हुए हैं, लड़ाई में भी प्यार ढूंढ रहे हैं लोग। अभी हम वहाँ से वॉरबेरी का फोर्टेस देके आए हैं ना, तो आप अंदर घूम सकते हो, यू कैन टेक अ वॉक। और फिर जैसे ही आप ऐसे राउंड आओगे बाहर और यहाँ पहुँचते हो, तो यहाँ पर है इसका फेस्टनिंग्स टेरिसन करके रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। इट्स लाइक जब आप यहाँ पर खाना खाते हो तो आपको एक अच्छा व्यू मिलता है जो इधर वाला, आई थिंक पानी वानी है, तो आप ये देख सकते हो और खाना अपना इंजॉय कर सकते हो। और इसका टाइम ये हर टाइम नहीं खुला होता, स्प्रिंग के टाइम पे खुला होता है, आई थिंक सैटरडे संडे खुला होता है। कि कब खुला होता है, देयर इज द टाइम। अभी हम ये जो फोर्टेस का रेस्टोरेंट है वहाँ से आए ना, ये फोर्टेस की वॉल है और उसी साइड ही वो था कोल्ड बाथ हाउस, और फिर उसके बाद हम फोर्टेस आए और उसी साइड ही पार्किंग है। और जैसे आप ऐसे पूरा घूम के आते हो तो आप इस रोड पे अच्छी से एक वॉक कर सकते हो। इट्स लाइक जो ये वाली रोड है, अगर आप इसके आगे चलते रहते हो 1.7 किलोमीटर्स, तो यहाँ की जो फेमस बीच है वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। तो आपको व्यू भी अच्छा मिलता है, आप अच्छी वॉक कर सकते हो और वो डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो, और उसके फर्दर भी आप वॉक कर सकते हो इनकेस आपको और ज़्यादा वॉक करने का मन है। बट हमें क्योंकि स्टॉकहोम जाना है और ऑलरेडी शाम हो चुकी है, तो अभी हम आगे तो नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा सही सब दिखेगा आगे भी, और अभी हम जाएंगे सेंट्रम की तरफ। वॉरबेरी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताना। जब आप लाइक करते हो वीडियो को या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस क्रिएट करने की। तो प्लीज़
कर देना लाइक, कुछ नहीं जाएगा, जस्ट प्रेस करना है लाइक का बटन। तो ये व्लॉग तो यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही जल्द हम जाएंगे स्वीडन से बाहर कोई नया ट्रिप करने के लिए, और फिर लेके आते हैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बहुत जल्दी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।